हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान मौजूद है। समित, गुड आफ्टरनून। इस समय निफ्टी ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे आप, क्योंकि निफ्टी कोशिश तो कर रहा है 8600 पर टिके रहने की, क्या समाप्ति इस लेवल के ऊपर संभव है और इस समय फिर उस लिहाज से क्या तेजी का ट्रेड लेना ठीक होगा? गुड आफ्टरनून अर्चना। देखिए, लास्ट 4-6 दिन की अगर बात करें तो निफ्टी ने एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमने देखी है। 100-150 पॉइंट्स के रेंज में ही निफ्टी ट्रेड हो रहा है। अभी ये 8600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट 8650 का एक क्लोजिंग बेसिस पे इम्पोर्टेंट हर्डल होगा निफ्टी के लिए। हमारा ये मानना है कि अगर निफ्टी को ये लेवल ब्रेक करना है तो उसके लिए बैंक निफ्टी को 19200 का लेवल क्रॉस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि निफ्टी में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बैंकिंग स्टॉक्स का ही है। तो हम क्लोजली एक बैंक निफ्टी की प्राइस मूवमेंट भी देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी 19200 का लेवल क्रॉस कर पाता है तो यस, डेफिनेटली निफ्टी 8650 के लेवल के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये लेवल में हम फिर एक एक्सटेंशन देख सकते हैं 8750-8800 के। अभी यहाँ पे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर कोई नीचे के लेवल से लॉन्ग है तो 8620-8630 यहाँ पे थोड़ा मुनाफा वसूली करना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए कि 8650 का लेवल ब्रेक होता है या नहीं। अगर वो होता है तो यस, री एंटर कर सकते हैं इमीडिएट ऊपर के 100-120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। कुछ काउंटर्स जहाँ पर हमने सबसे पहले बाउंस आते देखा है, भेल पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, कंसिडरिंग पिछले सत्र में जहाँ पर फ्राइडे में हमने देखा नंबर्स बहुत निराशाजनक थे, स्टॉक बुरी तरह से पिटा, निचले लेवल से कुछ रिकवर करने की कोशिश ये कर भी रहा था फ्राइडे के दिन, लेकिन आज देखिए वो प्रिसाइज मूव आई है 1.5% की तेजी की। क्या इस मूव के बाद कुछ तेजी करनी चाहिए या फिर एक मुनाफा वसूली का मौका दे रहा है स्टॉक? देखिए अर्षदा, लास्ट टू लास्ट थर्सडे हमने इसमें एक सेलिंग का रिकमेंडेशन दिया था हाई लेवल्स पे अराउंड 287-290 का हम मेजर रेजिस्टेंस देख रहे थे। फ्राइडे को हमने इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखा है हाई लेवल से Q1 नंबर्स के बाद। हालांकि हम नियर टर्म में देख रहे हैं कि 255 का BHEL को एक स्ट्रांग सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 272-275 का स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई ऑलरेडी लॉन्ग पोजिशन लिया हुआ है इसमें तो यस, यहाँ पे थोड़ा मुनाफा वसूली करना चाहिए कि हमें नहीं लग रहा है ये स्टॉक इमीडिएटली 275 के ऊपर चला जाए। ओके, ये फिलहाल राय आती हुई भेल पर, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर का शेयर आपके लिए हाजिर करेंगे जहाँ पर हमने देखा है मुनाफा काफी बढ़िया कंपनी ने पोस्ट किया है, 81 करोड़ से बढ़कर ये 146 करोड़ पर आ चुका है। साथ ही साथ अन्य आय की वजह से हमने देखा है यहाँ पर वो प्रॉफिट का फिगर और इन्फ्लेटेड दिख रहा है, ये 29 करोड़ से बढ़कर लगभग 70 करोड़ के आसपास की आई है। शायद यही एक फैक्टर रहेगा, लेकिन अगर उसको हटा भी देंगे तो अच्छा खासा इजाफा आता हुआ मुनाफे में देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर आप देखें टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम कंपनी की करीब 2440 करोड़ पर है, तो टॉप लाइन परफॉर्मेंस अच्छी है एज अगेंस्ट 2000 करोड़ का आंकड़ा जो पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था। तो ये फिलहाल चंबल का स्टॉक आपके लिए हाजिर करते हैं जहां पर 12% तक की तेजी इस समय दिख रही है, तो अच्छा खासा इजाफा इन नंबर्स के बाद आता हुआ। एक और स्पेस जहां पर हमने देखा जमकर एक्शन देखने को मिला है वह गुजरात बेस्ड कंपनियां, GFCL लीजिए, JSPL जैसी कंपनी लीजिए, गुजरात एल्कलीज जैसे स्टॉक्स लीजिए, इन सब में हमने देखा है काफी ज्यादा तेजी आती हुई दिखाई दी और अच्छे वॉल्यूम पर एक काउंटर्स भाग रहे हैं। GHCL सबसे ज्यादा भागा है करीब 16% तक के गेंस, JSFC जैसे काउंटर्स भी है जहां पर 4% की तेजी आई है। कोई खास ट्रिगर है स्टॉक्स में या फिर अगर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो ऐसी कंपनियों में कहां पर पैसे लगाने का मौका है? वीके शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, वैसे अगर आप देखें तो कोई क्लियर कट न्यूज ट्रिगर तो दिखाई नहीं दे रहा है, इंडिविजुअल बेसिस पर शायद इन कंपनियों में थोड़ी बहुत खबर होगी, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस मूव को? जी, मैं इस मूव को इस तरह से देख रहा हूँ कि ये मार्केट थोड़ा एक्सपेक्टेशंस में और थोड़ा रिजल्ट्स के ऊपर चलता है। तो जो स्टॉक्स जिनका आपने जिक्र किया है उनमें से एक स्टॉक मेरे कवरेज में है तो उस पर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। वो स्टॉक है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और ये ऊपर आज करीब 8-8.5% ऊपर है और वो इसलिए क्योंकि इसके जो नतीजे शुक्रवार को आए थे वो काफी बेहतरीन थे। इसके पहले ये स्टॉक मैंने आपके चैनल पे शाम के जो प्रोग्राम है आपका उसमें एक बार रिकमेंड भी किया था, हमारा करीब 150 रुपए का टारगेट है और नतीजे अच्छे आए थे, करीब 12% YOY ग्रोथ देखने को मिला था सेल्स में और नेट प्रॉफिट में करीब 33% की वृद्धि हुई थी। क्वार्टर एंड क्वार्टर इनको नहीं देखना चाहिए लेकिन वहां पे भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट के अंदर 68% की वृद्धि थी। ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू जो गैस कैरी किया उसके अंदर करीब 7% की वृद्धि थी जो आगे चलते हुए और रैंप अप हो सकती है बिकॉज गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है भले ही फर्टिलाइजर के लिए या पावर के लिए वो हेल्प कर रही है ज्यादा गैस मूव करने के लिए। तो
हम आशा करते हैं कि हमारा जो टारगेट है 150 का, उससे ऊपर ये स्टॉक जा सकता है इस साल में। फेयर एनफ, तो क्या आप उस टारगेट को रिवाइज करना चाहेंगे शर्मा जी, क्योंकि 135 पर तो आ गया है ये। जी, तो 150 का जो टारगेट है उसको मैं पहले एक बार ले जाना चाहूंगा 170 पे, और फिर बाद में सेकेंड क्वार्टर के बाद इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। ओके, तो ये है फिलहाल राय। जीएसपीएल शायद स्पेस में सबसे बेहतरीन काउंटर लग रहा है। इसके पहले भी आप देखें कि जीएचसीएल में करीब खबरें आई थी कि अपने सोडा ऐश प्लांट में ज्यादा एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो वो भी एक ट्रिगर है जिसके साथ वो काउंटर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे पैक में शायद बीके शर्मा की राय जो है वो जीएसपीएल के साथ जाने की है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। इस काउंटर, इन सभी काउंटर्स में हमने देखा अच्छा खासा रन बनता हुआ दिखाई दिया है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे मिड डे टॉप 10 स्टॉक्स आपके लिए हाजिर करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जो दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं कल, उसमें क्या उम्मीद है बाजार की। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। बाजार में रौनक कायम, 133 अंक ऊपर है सेंसेक्स। निफ्टी भी आप देखिए 8600 पर कारोबार करता हुआ। छोटे मझोले काउंटर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। तो आज कौन से वो मिड डे टॉप 10 स्टॉक्स है जिस पर आपकी भी नजर होनी चाहिए, इसका जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी रिसर्च टीम की नियति, सोनम, पूजा और साथ ही वरुण। शुरुआत वरुण आप ही से। देखिए, अदानी एंटरप्राइजेस के काउंटर में आज जमकर खरीदारी देखने मिल रही है। 4% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। दरअसल ये कंपनी जयपुर उदयपुर में जो गैस की पाइपलाइन है वो बिछाना चाहती थी, और इस पर पीएनजी आरबी ने दरअसल आपत्ति जताई थी और इनसे इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन यहाँ करने से रोक लगा दी थी। हालांकि पीएनजी आरबी के इस फैसले के खिलाफ अदानी एंटरप्राइजेस ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो प्ली है उसे यर करने के लिए मान लिया है। यानी कि आगे जाके सुप्रीम कोर्ट इनकी जो ये अर्जी है उस पर सुनवाई करेगी। करीब 4 हफ्तों बाद ये सुनवाई होगी, और इसी के चलते इस काउंटर में आज जबकि खरीदारी देखने मिल रही है। मुक्ता, आज अपर सर्किट पे लॉक इन है, 20% का अपर सर्किट इस पे लगा हुआ है। खबरें ये हैं कि फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, ये या तो मुक्ता आर्ट्स में या फिर इसकी कोई सब्सिडरी में एक बड़ा हिस्सा खरीद सकती है। फॉक्सकॉन ने अभी वीकेंड में ही एक इनकी जो विस्लिंग वुड्स है उसके साथ भी इन्होंने करार किया था, और हो सकता है मुक्ता आर्ट्स में भी अब यहाँ पर एक खबर आती हुई नजर आए। वही एमआरपीएल के काउंटर में आज जम के धुलाई हो रही है। करीब 8.5% के दबाव इस काउंटर में देखने मिल रहा है। इस कंपनी ने फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे घोषित किए। कुल आय में करीब 28% की गिरावट देखने मिली, लेकिन अच्छा खासा मुनाफा इस कंपनी ने क्लॉक किया है। पिछले साल के 36 करोड़ के लॉस के मुकाबले 406 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने क्लॉक किया है। हालांकि यहाँ 154 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम जरूर है, लेकिन इसे हटा भी दे तो भी कंपनी के नतीजे काफी बेहतर है। हालांकि अगर आप देखें तो नतीजों के 3 दिन पहले इस काउंटर में अच्छी खासी लगातार बढ़त देखने मिली थी। 3 दिनों में करीब 14-15% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिली थी। तो अब नतीजे आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आपको इस काउंटर में देखने मिल रही है। डिश टीवी आपके रडार पे होना चाहिए, 1% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल इन्होंने अपने पैकेज के जो दाम है वो 4-8% के आसपास बढ़ा दिए हैं, और इन्होंने अपने काफी सारे और चैनल्स इसमें जोड़े हैं। तो डिश टीवी के लिए आज ये खबर। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने भी अपने नतीजे घोषित किए, जिसमें कि एक स्टेबल नंबर्स इस बार देखने को मिले हैं। अगर पिछले क्वार्टर यहाँ पर कंपेयर करें तो एनआईए प्रॉफिट दोनों में ही गिरावट देखने को मिली थी, और साल दर साल भी अगर कंपेयर करें तो पिछले साल प्रोविजंस काफी ज्यादा बढ़े हुए थे। तो एक लो बेस के चलते यहाँ पर मुनाफे में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। एनआईए में करीब 8.8% की बढ़त, मुनाफे में 22% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन एसेट क्वालिटी की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल है। यहाँ पर भी अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो एक सुधार देखने को मिला है, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो सुधार देखने को मिले, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर एनपीए लेवल्स में बढ़त देखने को मिली है। सतबाज इंजीनियरिंग कंपनी ने पहले तो हमारे नतीजे घोषित किए और वो हमारे उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, और शायद इसी की वजह से शेयर में 3-4% का उछाल दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कंपनी के मुनाफे में 46% का जंप दिखाई दे रहा है। हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे 32.5 करोड़ का कंपनी मुनाफे का आंकड़ा दर्ज करेगी, उसके बदले कंपनी ने 39.5 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा दर्ज किया है। मार्जिन फ्रंट पर भी आउट परफॉर्मेंस है, 10.8% के मार्जिन कंपनी डिलीवर किए हैं पिछले साल के 10.4% के मुकाबले, और कंपनी के आय में 21% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसके बाद यूको बैंक के नतीजों की बात करें तो काफी कमजोर नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। एनआईआई और मुनाफे दोनों में ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है इस तिमाही, और एसेट क्वालिटी में भी काफी ज्यादा कंसर्न। ग्रॉस एनपीए बढ़कर अब 7% के भी ऊपर पहुंच चुके हैं, तो काफी खराब नतीजे यहाँ पर यूको बैंक की तरफ से।
चंबल फर्टिलाइजर्स कंपनी के पहले तो के नतीजे जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। अभी अभी ये नतीजा आया है, शेयर में लगभग 12 से 13% का उछाल भी दिखाई दे रहा है, आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, आय में 22% की बढ़ोतरी हुई है, तो मुनाफे में 80% का जम दिखाई दे रहा है। अदर इनकम से यहाँ पे काफी मदद मिली है, जहाँ पे कंपनी के अदर इनकम में 130% की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ से मुनाफे के आंकड़े को काफी सपोर्ट मिला है। एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी के कारण, खर्चों में बढ़ोतरी के कारण मार्जिन के आंकड़े पर थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। 8.8% के मार्जिन का डिलीवर किया है पिछले साल के 9.1% के मुकाबले, लेकिन मुनाफे और आय के फ्रंट पे कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। तमाम स्टॉक्स जहाँ पर पूरा एक्शन देखने को मिल रहा है, शुक्रिया आप सबका। चंबल फर्टिलाइजर समेत इसी के साथ शुरुआत करेंगे, आपकी क्या राय रहेगी, क्या इस समय एक तेजी का कॉल लेना ठीक है? स्टॉक 12% तक भागा, अब 11% के गेंस दिखा रहा है। देखिए 66 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो उसने आज क्रॉस कर दिया। अगर हम वॉल्यूम को इसके साथ कंबाइन करें तो डेफिनेटली ये एक टेक्निकल ब्रेकआउट माना जाएगा। यहाँ से एटलीस्ट 75-76 तक मूवमेंट काफ़ी पॉसिबल है, तो यस यहाँ पे अराउंड 68-67 ये अच्छे खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है 75-76 के टारगेट्स के लिए। साथ ही डिश टीवी जिसकी हमने चर्चा की, इन्होंने ऑफकोर्स अपने पैकेज के दाम जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन स्टॉक सिर्फ 1% ऊपर है, तो क्या इसमें से अब स्टीम निकल रहा है? काफी पहले ही भाग चुका था स्टॉक, इस समय क्या मुनाफा वसूली पर जोर दे? देखिए ये डिपेंड करता है आपका टाइम होराइजन क्या है। नियर टर्म एक्सपेक्टेशन अभी इसमें करना काफी डिफिकल्ट हो गए। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो डेफिनेटली ये एक बाय ऑन डिक्लाइन काउंटर बन गया। नियर टर्म ट्रेडर्स मेरे ख्याल से 122-125 के आसपास थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूली कर सकते हैं, बट विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पे हर एक डिप में इसमें बाइंग हो सकती है। ओके, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डेफिनेटली है। साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स मिड डे टॉप 10 में शामिल नहीं है, लेकिन स्टॉक देखिए पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से आउट परफॉर्म करता हुआ, आज फिर करीब 7% तक की तेजी देखने को मिली है। समेत क्या लॉन्ग जाएंगे इसमें? यस, इसके चार्ट्स काफ़ी इनकरेजिंग है। इनफैक्ट हम इसको ट्रैक कर रहे थे फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 265-270-278 का इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो ये स्टॉक ने लेवल ब्रेक कर दिया है। वॉल्यूम्स लास्ट 6 से 8 दिनों में अच्छे खासे पिक हुए, तो डेफिनेटली इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थोड़े स्टैगर्ड मैनर में इसमें बाइंग की जा सकती है फ्रॉम करंट लेवल, और कोई भी डिप आता है टूवर्ड 290-285 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक 315-320 के लेवल क्रॉस कर जाए, 335-338 के इसके टारगेट्स होंगे, और लोअर साइड पे 260 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा स्टॉक के लिए। ओके, ये फिलहाल राय आती हुई, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली अब भी दिखाई दे रही है, 302 पर वो काउंटर ट्रेड करता हुआ। कुछ और काउंटर्स में जहाँ पर आज हमने देखा है पूरा एक्शन, सद्भाव इंजीनियरिंग, नंबर्स अच्छे हैं, मुनाफे में अच्छा उछाल देखने को मिला है, लेकिन एक ट्रेडर के लिए क्या उतने पैसे कमाने लायक ये शेयर है समेत? देखिए उसकी जनरली अगर हम वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी इनकंसिस्टेंट होता है, तो हम इसको ज्यादा एग्रेसिवली इसमें रिकमेंड नहीं करते। यस, ट्रेंड वाइज देखें तो स्ट्रक्चर इसका काफी पॉजिटिव है, दोज हु आर ऑलरेडी होल्डिंग इट दे कैन रिमेन इन्वेस्टेड, इसमें 360-365 के लेवल आ सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं होगी। ओके, नई खरीदारी ना करें, लेकिन अगर आपके पास है तो 360 तक के जाने की पूरी पूरी कोशिश दिखाएगा स्टॉक, आज 3.5% ऊपर। समय से हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन हम कुछ और ऐसे स्टॉक्स पर भी आपकी नजर घुमाएंगे जहां पर कल नंबर्स आने वाले हैं, उस पर क्या आपकी रणनीति इस समय होनी चाहिए, उस पर एक चेक लेंगे। रेडार पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा स्टील के स्टॉक्स। ब्रेक के बाद